हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप सब बहुत अच्छे होंगे सो so, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने ग्रामर का पोर्शन जो छोटा सा है और वो रिलेट कर रहा है हमारा प्रोनाउंस और भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं सो so, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन सो लुक एट सेंटेंस मेघा इज अ गुड गर्ल शी रीड्स इन माइ क्लास हर ब्रदर इज एन इंजीनियर Radha is my niece. She reads in class sixth. She goes to school regularly. In the first sentence, she and her stand for Megha. In the second sentence, she stands for Radha. Megha and Radha are nouns. Thus, we see that the words she and her are pronouns. So, kinds of pronouns ke baare mein? There are seven kinds of pronouns. First is पर्सनल ओके okay? यहां पर आपको सभी दिए हुए हैं तो देखते रहेंगे बच्चे पर्सनल प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पॉजिसिव प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सो लेट्स बिगिन विद पर्सनल प्रोनाउन अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन

किसके बारे में बात हो रही है ही शी हिम हर दे देयर इट इट्स देम एटसेट्रा लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नव्या विल कम टू माई हाउस इन दबा सेंटेंस आई इज द पर्सन स्पीकिंग सो इट इज द फर्स्ट पर्सन यू इज द पर्सन स्पोकन टू सो इट इज द सेकेंड पर्सन एंड नव्या इज द पर्सन स्पोकन अबाउट सो इट इज द थर्ड पर्सन नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नियर एट एट द डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जिसको हम पॉइंट आउट करके बोलते हैं बच्चे तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हम किसी की बात का करते हैं तो हम उसको एक कैटेगराइज करते हैं और कुछ कैटेगराइज करने के लिए हम उसको पॉइंट आउट भी करते हैं ठीक है हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं लिविंग नॉन लिविंग डजेंट मैटर लेकिन वो हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर कैटेगराइज करते हैं लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज दिस इज अ टेबल दैट इज अ बैग दीज आर चेयर्स दोज आर कप्स सो इन द अबाउट सेंटेंसेज दिस एंड दीज रेफर्स टू द थिंग्स नियर दैट एंड दोज रेफर्स टू थिंग्स एट डिस्टेंस Okay, so next is reflexive pronoun. In a reflexive pronoun, the object denotes the same person or thing as the object. A reflexive pronoun is formed by adding self to singular personal pronoun and selves to plural personal pronoun. Look at the following sentence I enjoyed myself at the party, she will do it herself. you yourself took the luggage we ourselves are responsible for it तो आपने देखा पॉजिटिव के साथ क्या हो रहा है आई माई सेल्फ के अंदर यू योर सेल्फ के अंदर और इट या शी शी की हम बात करते हैं सेकेंड पे शी हर सेल्फ के अंदर और वी का चेंज होता है आर सेल्फ के में चेंज होता है ओके सो नेक्स्ट इज पॉजिटिव प्रोनाउन Possessive pronoun which shows possession or relation. Relation and relationship is called a possessive pronoun. Look at the following sentences This is my computer. That is your flat. This computer is mine. That flat is yours. In the first and third sentences, my and your are used as possessive objects or adjectives and in the second and fourth sentences mine and yours are used as possessive pronouns next is indefinite pronoun indefinite jo cheeze definite nahi hoti bachcho indefinite hoti hai. so used for the person or things where identify and number are not defined look at the following sentence many are born intelligent देयर इज सम मिल्क इन दिस जग ऑल द स्टूडेंट पासड इन द एग्जाम फ्यू आर सेव मैनी पेन्स तो अब सेंटेंस में आपने देखा मैनी फ्यू सम एंड ऑल आर नॉट डिफाइंड क्लियरली जग में थोड़ा दूध है लेकिन हमें नहीं पता डेफिनेट नहीं पता कि एग्जैक्ट है कितना तो इसलिए हम इनडेफिनेट की कैटेगरी में उसको रखते हैं और इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ ही उसको जोड़कर सेंटेंस को फॉर्म करते हैं सो दे आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस Next is relative pronoun. A pronoun that joins two sentences and refers to the noun that goes before it is called a relative pronoun. Look at the following sentences I have found the book which I had lost. This is the person whom you met yesterday.

सो एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हैं बच्चे द वर्ड्स दिस दैट दीज एंड दोज कैन बी यूज बोथ एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिवस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं तो आपने सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को अच्छे से समझा देखा और विद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस भी करनी है इसकी सो इसको कीप वॉचिंग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे पहले ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं उन वर्ड्स के थ्रू ट्राई करते रहेंगे Thank you students, thank you for watching.